महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके अलावा बीजेपी के कुछ अन्य नेता भी डिटेन किए गए हैं। ये सभी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने बुधवार दोपहर हिरासत में ले लिया। उनके साथ बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं देवेंद्र फडणवीस पुलिस की गाड़ी में बीजेपी का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता बुधवार को एनसीपी के नेता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर आजाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर में मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस और अन्य बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने मेट्रो सिनेमा के पास से बैरिकेड्स भी हटा दिया और रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। नवाब मलिक पर क्या है आरओपीडी? प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी में अरेस्ट किया था। उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। आरोप है कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर की एक जमीन जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए थी को मैच 55 लाख रुपए में खरीदी थी। नवाब मलिक पर इस पूरे ट्रांजैक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। उन पर अंडरवर्ल्ड और 1993 बम धमाकों के आरोपियों से संबंध रखने और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है। ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था।